असलम क्लास मैंनेम इज़ मोहम्मद आशम ज़िया सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुश आमद कहता हूँ स्टडी एट प्रोजेक्ट के इस क्रेश की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऑब्वियसली देखो पह, सबसे पहले तो मैं माजरत कर लेता हूँ इस ऑनलाइन सेशन के लिए या इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए एज ए टीचर या आप एज ए स्टूडेंट किसी को भी शौक़ नहीं होता ऑनलाइन पढ़ने का ये एक मजबूरी है इस मजबूरी के अंदर आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एजिवर्सिटी लेवल के ऊपर और ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं तो देखो ये तो एक मजबूरी है इसके अंदर कर रहे हैं अब हमें इस मजबूरी के अंदर हम फारि नहीं बैठ सकते हमें इस मजबूरी के अंदर हम ये नहीं कह सकते यार करोना आया हुआ तो हम घर पे बैठे रहें और एन का टेस्ट फेल कर दें या फास्ट टेस्ट फेल कर दें या आई का टेस्ट फेल कर दें या पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट फेल कर दें सिर्फ इसलिए करोना आया हुआ है ऑब्वियसली हमें अपनी पर्टिकुलर हर किसी को अपनी अपनी इंफरादी हैसियत के अंदर कोई ना कोई काम ज़रूर करना है मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपनी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले बेटा मेरा नाम मोहम्मद आशम से है मैं एन के इंडस्ट्रियल मैनुफेक्शन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और एप्टीट्यूड टीचिंग से और मैथ की टीचिंग से मेरा उतना ही पुराना वास्ता है जितना कि आप सोच सकते हैं चार साल हो गए टीचिंग करते हुए पाँच साल हो गए कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया अलहमदिल्ला उनमें से कई कामयाब हुए स्टडी एट प्रोजेक्ट इस्लामी तलबा के साथ लास्ट ईयर से मुंसलिक था इसके अलावा कराची के कुछ और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एप्टीट्यूड मैथ्स और इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ाता हूँ और प्राइवेट कोचिंग्स और ग्रुप कोचिंग्स भी अलमदुल्ला देता रहता हूँ ये तो मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इसके डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं गया आए आज अपने ज़रा अच्छा मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स उसामा शबीर भाई पढ़ा रहे होंगे तो इन फर्स्ट ईयर मैथ्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करवाना और उनको समझाना सब मेरी इन होगा अपने मेन टॉपिक को जाने से पहले ज़रा मैं फर्स्ट ईयर मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली तेरह चैप्टर्स होते हैं जिनमें चैप्टर वन से लेकर थर्टीन तक इन्वर्सनोमेट्री फंक्शन तक हमारे पास के चैप्टर्स हैं देखो बेटा इंटरमीडिएट की मैथ्स के अंदर और एप्टीट्यूड uh, की मैथ्स में कुछ बुनियादी डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है तो डिफरेंस को समझा देता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से इंटरमीडिएट की मैथ्स के अंदर आपको तीन तीन चार चार पेजेज काले करने होते थे इंटरमीडिएट की मैथ्स के अंदर आपको एक सवाल सॉल्व करने के लिए दो से तीन पेज काले करने होते हैं अपना आंसर लाने के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता यहाँ पे आपको सीधा सा आपको आंसर देना है वो आंसर इधर छाप के दो या पढ़ के दो ट्रिक लगा के दो या किसी तरीके तो कम मार के दो आंसर आपको लेकर आना है वो आंसर समझाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं वो आंसर को इंशाल्लाह समझा के उठेंगे पहली चीज़ तो ये हो गई सेकेंडली एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर मैं ना सिर्फ आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को कैरियर कौंसिल टीचिंग दूँ टीचर भी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं अपने एक बच्चे को बताऊँ कि बेटा उसकी उसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे होनी है मेरा फर्ज़ है कि मैं अपने बच्चे को ना सिर्फ उसके पेपर क्लियर करने का तरीका बताऊँ बल्कि उसको एक गुड़ भी सिखाऊँ कि बेटा अगर तू तुझे कहीं अच्छी जगह पर जाना है तो तुझे किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है ये मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को पूरा करूँगा ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता है बट ये टोटली आई गैस एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को हर किस्म के तरीके बताएँ पेपर क्लियर करने के तो मैं इनशाला तुम लोगों को ना सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा बल्कि ट्रिक्स के साथ साथ मैं तुक्के मारने के तरीके ही बताऊंगा वो तुक्के मारने के तरीके सिर्फ बहुत कम टीचर्स को आते हैं मैं वो भी तुम्हें सिखा दूंगा मुझे कोई इशू नहीं है अगर टीचर बनो तो भाई ऐसे टीचर बनो जो दोनों काम करना जानता हो दोनों काम सिखाना भी जानता हूँ पहली चीज़ हमेशा याद रखना जिंदगी के अंदर अब एप्टीट्यूड फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स होती है इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ग्रुप्स हो गया चैप्टर नंबर एलेवन ग्राफ्स हो गया मेजोरिटी बच्चा इन तमाम चैप्टर्स को इंटर के अंदर छोड़ के जा रहा होता है चॉइस के ऊपर वो समझते हैं कि शायद जिंदगी के अंदर कभी इनसे इसका पाला ही नहीं पड़ेगा मगर मैं आपको बहुत अफसोस के साथ एक हकीकत बता देता हूँ ग्रुप्स हो गया ग्राफ्स हो गया जिंदगी के अंदर बहुत जगह काम आएंगी याद रख लेना अगर आपने कभी इंटर के अंदर नहीं समझी दी ना तो कोई मसले की बात नहीं है मैं आप बैठाऊँ मैं समझाऊंगा इन समझ में भी आएगा आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे नहीं समझ में आ रहा तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिटेल दे दी जाएगी इनशाला आप वहां पर बैठ के बत, पु, सवाल ऑडियो भेजो अपनी सवाल पूछो हम इसलिए बैठे इनशाला आपको रिप्लाई करेंगे वहां पर कहने का मकसद ये कि फर्स्ट ईयर मैथ्स के जितने छोटे चैप्टर्स होते हैं ना उतना ही पेपर वेटेज वो एप्टीट्यूड में रखते हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप्स का चैप्टर बेताशा इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्टीट्यूड के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर बेताशा इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्टीट्यूड के लिए ग्राफ्स का चैप्टर बेताशा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ एनडी डी के एप्टीट्यूड के लिए या आगे आपके पास जब आप बाहर की तैयारी कर रहे हो तो सेट्स वगैरह कर रहे हो या आगे जी वगैरह दे रहे हो तो ग्राफ्स वगैरह की तो ला तला चैप्टर्स पड़े हुए हैं हमारे पास जिनकी तैयारी करते हैं और करनी पड़ती है ऐसा है नहीं है कि जिंदगी के अंदर आपने एक टॉपिक कभी छोड़ दिया और टॉपिक बाद में काम नहीं आएगा और टॉपिक बाद में कहीं ना कहीं ज़रूर आपसे डिमांड करेगा कि उसको पढ़ो आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम शॉर्टकट मार के भी जिंदगी में चल चलने अब आ जाते हैं जरा अपने मेन टॉपिक की तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा तो मुझे जवाब आता है सर वो नंबर जो माइनस के अंदर हो वो नंबर जो आयोटा का हो और इस टाइप का कुछ भी फजूल का तो जवाब आ जाता है देखो दो बातें याद रखना दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं एक होती है रियल एक होती है फ़ेक हमने आज तक यही पढ़ा ना बेटा मेरे सामने जो एक चीज़ है वो रियल चीज़ है और जो मुझे नहीं दिख रही वो फेक चीज़ है हमने तो हमेशा तो जिंदगी में एक दूसरे को ये कॉन्सेप्ट दिया आज तक तो इसी बात को अप्लाई कर देते हैं दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं या तो रियल नंबर होते हैं या फिर इमेज नंबर होते हैं मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के रेफरेंस से ही बात कर रहा हूँ आप बाद में कमेंट सेक्शन में बोल दो सर होल नंबर भी होते हैं ये भी होते हैं मुझे पता है बेटा होते हैं बट मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ दुनिया में दो तरह के नंबर हैं एक है रियल नंबर एक है इमेजनरी नंबर ये इमेजनरी नंबर क्या होते हैं हम बचपन से सुन रहे होते हैं इमेजन 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 हर वो चीज़ इमेजनरी चीज़ है जो आप सोच रहे हो जो आपको पॉसिबिलिटी ना देखे जो बन सके फॉर एग्जाम्पल हर इंसान ख्वाब देखता है बेटा हर बच्चा ख्वाब देखता है आप भी ख्वाब देखते हो कहीं ना कहीं हम भी ख्वाब देखते होंगे ये ख्वाब क्या होते हैं हम पर्टिकुलरली एक चीज सोचने कहीं ना कहीं यार ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो बेसिकली क्या चीज है ये सारी है और ये इमेजन इमेजनरी चीज है आओ जरा इस बात को समझ देते हैं इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है मैथ के अंदर फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं ये इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मैं चाहता हूं कि इस एक्स की वैल्यू आ जाए मैं इस एक्स की वैल्यू को कैसे लेकर आऊंगा ऑब्वियसली मुझे वन को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा तो भाई मैंने क्या किया इस वन को मैंने जब यहां भेज दिया पॉजिटिव वन वहां पे जाकर क्या हो गया बेटा नेगेटिव वन हो गया अब मैं चाहता हूं एक्स की वैल्यू आ जाए इस एक्स की कैसी वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस वन अब मेरे पास एक अजीब सिचुएशन हो गई बेटा अब मेरे पास एक क्या सिचुएशन हुई है कि रूट के अंदर ये माइनस वन आ गया ये माइनस वन क्या चीज़ है मुझे याद आता है कि मैंने कहीं पढ़ा था आयोटा नाम की चीज़ होती है हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस पर्टिकुलर टर्म को कह देते हैं आयोटा रिप्रेजेंटेड बाई आई और इस आयोटा का कह देते हैं रूट के अंदर आने वाला माइनस का साइन या माइनस वन बहुत ही अच्छी बात हो गई ये जो आयो आयोटा होता है बेटा ये इमेजनिंग नंबर होता है हमें पता चल जाए रियल नंबर क्या है इमेजिन नंबर क्या है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है व्हाट द हाइलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल नंबर इज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर पर्टिकुलरली एनी नंबर देन एन इमेजनिंग नंबर इज आयोटा टाइप नंबर देन वॉट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर आओ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं जब कभी जिंदगी के अंदर आप किसी रियल नंबर को इधर प्लस इधर माइनस करवा दो किसी इमेजनरी नंबर के साथ आप कभी जिंदगी में किसी रियल नंबर को इधर प्लस इधर माइनस सेपरेट कोई भी ऑपरेशन करवा दो किसी भी इमेजनरी नंबर के साथ जो ट्रम्प फॉर्म होगी वो ट्रंप क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर वो ट्रंप क्या होगी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना एक स्पेशल साइन जेड से डिनोट किया जाता है ये जेड मैं ऐसे लिखता हूँ तो भाई मेरा तरीका जेड लिखने का जेड से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर z z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हेयर ए इज बेटर रियल नंबर एंड बी इज बेटर इमेजनरी नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी यहाँ पे ए क्या होता है बेटा रियल नंबर और बी क्या होता है बेटा यहां पे इमेजनरी नंबर अच्छा भाई मैं इसकी मजीद एग्जाम्पल देता हूं मेरा पढ़ाने का हमेशा तरीका यही है कि मैं पर्टिकुलरली थ्योरी कम बोलता हूँ थ्योरी कम करवाता हूँ ज्यादा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन इंशाल्लाह करवाऊंगा मेरा तरीका है क्योंकि मेरे नजदीक बच्चा थ्योरी से ज्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पेपर की प्रैक्टिस से काम करता है इसी फॉलो को फ्लो को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह अब देखो बेटा कंसिडर करो फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आया बेटा यहां पर बेटा टू क्या है रियल नंबर थ्री क्या है इमेजनरी नंबर थ्री क्या है इमेजनरी नंबर क्लियर आओ जरा आगे चलते हैं अगर मैं कहता हूं बेटा ऑर्डर पेयर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसा होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसी होती है मैं ये बात किसी से कहना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई मुझसे कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू

Equation को ordered pair की form में इस complex number को में इस लिखा जाएगा 3, -4. मैंने क्या बोला Iota का sign गायब हो जाता है और बीच वाले sign की जगह पे कॉमा आ जाता है क्लियर समझ पा रहे हैं बेटा जेड इज इक्वल टू नाइन प्लस टू आयोटा इसको ordered pair की form में कैसे लिखेंगे 9, 2. यानी कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना सीख लिया अगर सीख लिया तो अब आओ जरा ऑर्डर पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना सीख लेते हैं अगर मेरे पास लिखा हुआ थ्री कॉमर टू और z उसने बताया हुआ है कि ये नॉर्मल पेयर नहीं है ये ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर का पेयर है इसको अगर मुझे ऑर्डर नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा तो बेटा कैसे लिखूंगा z इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आएटा ऐसे लिखूंगा एक और एग्जांपल देखो फोर कॉमा माइनस टू इस ऑर्डिट पेयर फॉर्म को मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है कैसे लिखूंगा फोर माइनस का टू आयोटा क्लियर कर पा रहा हूं बेटा मैं अब आओ जरा एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को जरा डिटेल में समझ लेते हैं व्हाट इज एन एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बात हमेशा याद रखना एडिशन और सब्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज सेम एस कंपेयर टू अ नॉर्मल नंबर मींस के एडिशन और सप्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई खास डिफरेंस नहीं होता बिल्कुल ऑर्डिनरी नंबर जैसे सप्रैक्ट या ऐड होती है ना बिल्कुल वैसे ही काम होता है फॉर एग्जांपल मेरे पास एक z1 है मेरे पास 2 3 आयोटा Z2 है मेरे पास बेटा फोर माइनस सिक्स आयोटा मैं चाहता हूं Z1 वन प्लस जेड की वैल्यू मैं चाहता हूं क्या बेटा जेड वन प्लस जेड टू की वैल्यू जेड वन है टू प्लस थ्री आयोटा, आयोटा मैं चाहता हूं Z1 वन प्लस जेड की वैल्यू अच्छा मेरा Z लिखने का तरीका ये तो भाई Z की वैल्यू के ऊपर Z के ड्यूरोन को घबरा मत जाना बेटा Z1 वन प्लस जेड मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे टू प्लस थ्री आयोटा प्लस का साइन फोर माइनस सिक्स आयोटा हमेशा याद रखना रियल नंबर रियल में एड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स में फोर टू प्लस फोर सिक्स और थ्री माइनस का सिक्स माइनस थ्री आयोटा आंसर होगा मेरा इस पर्टिकुलर ट्रम का तो मैंने क्या बोला मैंने बोला एडिशन और सब्रेक्शन टोटली सिमिलर होती है एस, आ, और, की और नई नंबर ही की तरह सप्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन सप्रक्शन के अंदर क्या करेंगे भाई रियल नंबर रियल सपरेटू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्सरेटो का बात हुई इस बात को सर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा एग्जाम्पल कहाँ ये मेरे पास एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जेड वन है मेरे पास टू माइनस का फोर आयोटा और जेड टू है बेटा मेरे पास थ्री माइनस का सिक्स आयोटा जेड वन माइनस जेड टू मुझे करना है तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे इसका आंसर आप निकाल लेंगे आई होप अब आओ जरा एक पहले अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एनईडी के पास पेपर के अंदर एनईडी ने अपने स्टूडेंट्स को दिया ये क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन था मेरे पास इफ टू एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन सॉरी प्लस थ्री वाई प्लस का टू आयोटा इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर आयोटा देन फाइंड एक्स एंड वाई एन के पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया इफ टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री वाई प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर आयोटा देन फाइंड एक्स एंड वाई मेरे पास क्वेश्चन आ गया और नीचे मुझे चार ऑप्शन गे हुए ए बी सी एंड डी ए ऑप्शनुलरली थ्री कॉमर टू बी इज थ्री कॉमा माइनस टू सी इज माइनस थ्री कॉमर टू फॉर एक्साम्पल एंड माइनस टू मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा ये अच्छा अब आपको जो है ना फेयर सोल्व नहीं एप्टीट्यूड के अंदर हो ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करना सीखो मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो इन अदर वर्ड्स मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया जरा इस क्वेश्चन को मैं एक बार साफ सुथरा यहां पे उतार लेता हूँ क्या लिखा हुआ टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू फाइव माइनस का फोर आयोटा ये क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छा दो बातें जब हमने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक चीज होती है रियल पार्ट एक चीज होती है इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट क्या होता है वो नंबर रियल पार्ट क्या चीज़ होती है वो चीज़ जो सिंपल तरीके की सिंपल फॉर्म में लिखी हुई हो रियल पार्ट क्या चीज होती है जिसके साथ कोई आयोटा का साइन ना हो और इमेजनरी पार्ट क्या होती है वो पार्ट जिसके साथ आयोटा का सिंबल हो पर्टिकुलरली अब आओ जरा इस बात को यहाँ समझो ये एक इक्वेशन गेवेन है यहां पे देखो ये पूरी एक ट्रम गेवेन है ये पूरी की पूरी एक ट्रम है इस पूरी इस पूरी एलिमेंट के साथ कोई भी आयोटा का साइन नहीं है यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है रियल पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है बेटा रियल पार्ट है और इस ट्रम के साथ इस वाली ट्रम के साथ क्या है इमेजनरी साइन तो ये वाली जो पूरी ट्रम है बेटा ये कैसी है ये इमेजनरी है ये कैसी है ये इमेजनरी है सिमिलरली यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फाइव जो है ये रियल पार्ट है और ये फोर एटा जो है इमेजनरी पार्ट है हमेशा याद रखना चैप्टर नंबर फोर फर्स्ट से हमने मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्ट पढ़ी थी कि इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिक्स बराबर आ जाते हैं तो हम प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम सोल्व करेंगे फॉर एग्जाम्पल क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अनदर रियल पार्ट यानी कि के के आमने सामने वाले दोनों real part एक दूसरे के बराबर होती ये वाला real part इसके बराबर बराबर हैं। वाला वाला इसके इसके है है। और ये वाला imaginary part basically इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2X -1 is equal to 5. Real part की जब मैं बात कर रहा हूं और सिमिलरली पार्ट के अंदर क्या होगा बेटा थ्री वाई प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू माइनस का फोर आयोटा आयोटा के साइन से आयोटा का साइन कैंसिल आउट बेटा

वैल्यू क्या आएगी माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस का टू तो मेरे पास बेटा एक्स और वाई की दो वैल्यूज आ गई क्या क्या आई मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज थ्री कॉमा माइनस टू और ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या थामा टू बी क्या आया मेरे पास थ्री कॉमा माइनस टू और यही मेरा आंसर भी तो है मेरा आंसर क्या बेटा ये रहा मेरा आंसर इस पर टिक कर देंगे हम अब देखो बेटा मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया थ्री एक्स क्या निकालना है बेटा हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया जीरो थ्री बी ऑप्शन मेरे पास आ गया वन कामा थ्री सी मेरे पास आ गया वन कामा माइनस थ्री और डी मेरे पास आ गया टू कॉमा फोर ये चार ऑप्शन है मेरे पास इन चार में से एक ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी वीडियो इसको रोक कर, इसको सॉल्व करें खुद से और देन मेरी आगे की सॉल्यूशन इसका देखें मगर चले मैं ऐसा सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा ऑब्वियसली आए देखें मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है मैंने आपसे क्या बात करी अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस क्वेश्चन के जरिए प्लीज पिक करने की कोशिश करे मैंने आपसे कहा एक किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक होता है रियल पार्ट एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट बेटा वो वाला हिस्सा जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमेशा रियल पार्ट होगा फॉर एग्जाम्पल जहां पे थ्री के साथ आयोटा नहीं है ये क्या है रियल पार्ट y माइनस टू के साथ आयोटा है ये ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली पूरी टर्म के साथ है तो बेसिकली ये चीज मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि y माइनस टू के साथ आयोटा का साइन ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है इस तरफ देख लें, आप 5 -2X के साथ कोई आयोटा का साइन नहीं है इसका मतलब क्या बेटा इसका मतलब ये कि रियल पार्ट है थ्री वाई माइनस एट के साथ आयोटा है यानी कि ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है मैंने आपको फिर अगली ट्रिक क्या बताई अगली ट्रिक मैंने आपको ये बताई कि रियल पार्ट रियल के बराबर आएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर आएगा और आप पर्टिकुलरली फिर सॉल्व कर लिया करेंगे आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन जरा कैसे होगा थ्री एक्स प्लस एक बार जरा क्वेश्चन को दोबारा से मैंने उतार दिया फाइव माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू फाइव माइनस टू एक्स बेटा प्लस का थ्री वाई माइनस एट आयोटा अच्छा मैंने आपसे क्या बात करी मैंने आपसे कहा कि भाई ये वाला रियल पार्ट है ये वाला पूरा इमेजनरी पार्ट है आइए रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लेने और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर ले लेने तो मैंने कहा रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर आ रहा है कैसे थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस का टू एक्स और यहां पे इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा आयोटा से आयोटा वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दें हम जरा यहां पे क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का टू एक्स इज इक्वल टू फाइव थ्री एक्स प्लस टू एक्स बेटा कितना होता है ये होता है फाइव और यहां पे भी क्या आ गया फाइव फाइव से फाइव कैंसिल आउट एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां पे चेक करो बेटा अगेन वेरिएबल बेस्ड टर्म को हम एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर दें minus constant है और minus को वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एट सिमिलरली थ्री वाई और ये वेरिएबल बेस्ड टर्म वाई को वहां भेज देता हूं क्या हो जाएगा बेटा माइनस का वाई माइनस टू प्लस एट बेटा कितना होता है सिक्स और थ्री वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा टू वाय टू वन जार टू टू थ्री सिक्स तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा थ्री यानी कि x कॉमा वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी वन कॉमा थ्री चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है ये वाला 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 सही है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इज करेक्ट क्लियर क्या मैं क्लियर कर पाया हूं बेटा आपको आइए आगे, आगे चलते हैं देखो यार ऑनलाइन सेशन या ऑनलाइन क्लासेस पहली दफ़ा है तो ऑब्वियसली हमसे भी कुछ ना कुछ गलती होगी तो प्लीज़ उस गलती को ज़रा इग्नोर करिएगा मेरी तरफ से अप, मेरी अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट कोशिश यही होगी कि कोई गलती ना हो कोई गलती हो आप कमेंट के ना ज़रूर मैंशन करें प्लीज़ अच्छा बेटा एडिशन और सबरक्ष के अंदर बड़ा मशहूर क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लेते हैं आयोटा ट्वेंटी वन प्लस आई ओटा फोर्टी थ्री प्लस आई फिफ्टी टू इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अगेन मैं क्लियर कर देता तो हूँ क्रैश क्लासेस के अंदर है मैं सिर्फ पाँच से छह क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर टॉपिक के करवाया करूंगा आप बाकी के क्वेश्चन सेपै की इधर सेप की बुक से इधर अनिज हुसैन की बुक से इधर आई बी ग्रेड से बुक से किसी भी बुक से आप कर लिया करेंगे मेरा काम मेन टॉपिक एक्सप्लेन करना हुआ करेगा मेरा काम हर टॉपिक के पचास पचास एमसीक्यू कराना नहीं है मेरा काम मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करना उसके पर्टिकुलर जो पास्ट पास में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाना है मेरा तो ये तरीका होता है तो फॉर ये क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन पास्ट टेवस में बेटा बहुत बार आपको मिल जाएगा आउट एफ ट्वेंटी थ्री आउट एक बात हमेशा याद रखिएगा आपको याद होगा चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर थ्री फर्स्ट ईयर उमेगा वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे भी आएंगे मुझे उस क्वेश्चंस का लिंक देने की क्या नीड पड़ रही है कि वहां पर जब कभी ओमेगा की हायर पावर आती थी हमेशा ओमेगा क्यूब बना बनाते क्यों बनाते थे ओमेगा तो क्यूब ओमेगा क्यूब की पर्टिकुलर वैल्यू होती है वन यहां पर सिमिलरली आयोटा आया हुआ है तो आयोटा की वैल्यू कहां पर माइनस वन आ रही होती है हम हमेशा आयोटा के क्वेश्चन के अंदर आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम आयोटा के क्वेश्चंस के अंदर आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश क्यों करेंगे बेटा ताकि हम माइनस वन ले सकें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया आयोटा ट्वेंटी वन प्लस आयोटा फोर्टी थ्री प्लस आयोटा फिफ्टी टू पहली बात तो मैं आपको जो क्लियर कर दूं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस वन और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन तो मैंने कहा कि हम जितनी भी हायर पावर्स आयोटा के अंदर आ जाया करेंगी हम वहां पे बेसिकली आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आयोटा ट्वेंटी आ रहा है मैं चाहता हूं कि क्या iota 2 के टेबल में 21 के 2 के टेबल में आता है बिल्कुल नहीं आता क्या 22 के टेबल में आता है बिल्कुल आता है तो हम बेसिकली बैक से आगे से पीछे जा रहे हैं 21 से 20 के ऊपर है क्या मैं इस बात को ऐसे करके लिख सकता हूं हमने बचपन क्लास फाइव की मैथमेटिक्स के अंदर ये बात पढ़ते हैं बेसिस सेम होती है तो पावर ऑलवेज ऐड तो बेटा मैंने कोई गलत काम नहीं किया मैंने सिर्फ iota सॉरी 20... आयोटा ट्वेंटी को तोड़ के लिख दिया है मैंने कोई गलत काम नहीं किया आयोटा ट्वेंटी को बेसिकली तोड़ के लिख दिया ट्वेंटी प्लस वन कितना होगा ट्वेंटी होगा सिमिलरली आयोटा थ्री को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं बेटा क्यों मैंने ऐसे करके लिख रहा हूं क्योंकि फोर्टी थ्री टू के टेबल में नहीं आता हमें आयोटा स्क्वायर बनाना है हमें आयोटा स्क्वायर क्यों बनाना है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन अब चूंकि आयोटा ट्वेंटी वन और आयोटा फोर्टी थ्री

मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा क्लास फोर और क्लास फाइव का ऑर्ड पावर और इवन पावर दुनिया में दो तरह की पावर होती है बेटा एक होती है ऑर्ड पावर एक होती है इवन पावर ऑर्ट मतलब वन थ्री फाइव सेवन नाइन इवेन मतलब टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो ऑन

यहां पे देखो माइनस वन और फिर सिक्सटीन ये सिक्सटीन कैसी पावर है इवन पावर है तो अगेन यहां पे भी क्या हो जाएगा वन का वन तो ये क्या बन गया आयोटा प्लस वन आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा प्लस का वन आयोटा से आयोटा कैंसिल क्या आंसर आएगा, आएगा आपके पास सिंपल वन चेक कर लो बेटा यहां पे आपके पास ऑप्शन के अंदर वन है कहीं पे बिल्कुल है वन मौजूद है टिक कर दिया आपको मेरी पूरी बात समझ में आई जब कभी हमारे पास आयोटा होता है बेसिकली तो हम हमेशा हायर पावर ऑफ आयोटा को हमेशा आयोटा मल्टीपल्स ऑफ टू में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं यानी कि इवन नंबर्स के अंदर जब वो इवन नंबर्स में आ जाता है यानी कि तो फिर उसे हम पर्टिकुलरली टू के टेबल्स के अंदर लेकर आते हैं ताकि आयोटा स्क्वायर बना सके और आयोटा स्क्वायर बनाने का मकसद क्या होता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस वन के तो हमें हमेशा कोशिश ही किया करेंगे आयोटा के क्वेश्चन के अंदर आयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करेंगे अब देखो बेटा हमारे पास नया टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन के टॉपिक के ऊपर जब मैं आता हूँ तो मुझे साफ पता चलता है अच्छा मट्टीप्लीकेशन कैसी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा सिंपल होती है मल्टीप्लीकेशन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मल्टीप्लीकेशन के अंदर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ट्रम है इसके अंदर मेरे पास कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आ रहा अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है टू माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री आयोटा प्लस नाइन ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये मैंने आपके होमवर्क में डाल दिया मैं मुश्किल वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। मुझसे कहते हैं सिंपल थ्री माइनस टू वाई अच्छा मुझसे बेसिकली ये पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जो मेरे पास इफ एक्स प्लस आयोटा वाईज इक्वल टू थ्री प्लस टू आयोटा एंड थ्री माइनस टू वाई सिंपल तरीके से मैंने क्या बोला सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है किस तरीके से देखो x प्लस आयोटा वाई इधर ही रहा और यहाँ पे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लीप्लाइड होंगे ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे बेटा जो सिंपल आज तक ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते आए थे वैसे ये थ्री दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली टू आयोटा भी नीचे से जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा थ्री थ्री जार नाइन माइनस का थ्री टू जार सिक्स वाई अब ये टू आयोटा जब थ्री से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का थ्री टू जर सिक्स आयोटा वाई सिमिलरली जब ये टू, टू टू से जाके होगा टू टू जार माइनस का फोर आयोटा वाई मेरे पास एक अजीब सॉल्यूशन बन गया टू टू वाई अच्छा भाई x प्लस आयोटा वाई हमेशा कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड सॉल्व कर लो और सिंपल uh, वैल्यूज को एक साइड पे सॉल्व कर लो अब देखो रियल पार्ट क्या बन गया नाइन माइनस सिक्स वाई ये पूरा का पूरा बेटा रियल पार्ट है क्योंकि इस पूरे के पास कोई इमेजनरी टर्म यानी कि आयोटा नहीं है यहां पर इन दोनों के पास आयोटा टर्म है तो इनको सोल्व कर लेते हैं प्लस सिक्स आयोटा वाई माइनस फोर आयोटा वाई क्या हो जाएगा बेटा प्लस का टू आयोटा वाई हमने अभी तक जो क्या करते हुए आ रहे थे कि रियल पार्ट को रियल से करेंगे ये रियल पार्ट आ गया मेरा और ये वाला मेरा तो पार्ट क्या आ गया बेटा इमेजनरी पार्ट आ गया ये रियल पार्ट है इमेजनरी पार्ट है सिमिलरली यहां ये रियल पार्ट है ये मेरा कैसा है इमेजनरी पार्ट है अभी तक हम क्या कर रहे थे रियल पार्ट को रियल से सॉल्व करेंगे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट जब रियल से आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स फाइव और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आयोडा से आयोटा कैंसिल आउट तो वाई इज इक्वल टू टू वाई ये एक अजीब सी सॉल्यूशन आपके पास बन गया तो इसका सॉल्यूशन कैसा है डज नॉट एक्स नन ऑफ नन ऑफ वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया इसको भी देख लो टू माइनस थ्री का सिंपल तरीके का से स्क्वायर ले लोगे कैसे टू का स्क्वायर क्या होता है फोर देन फॉर्मुले का टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र वाला फॉर्मुला थ्री टू जर सिक्स देन प्लस का नाइन आयोटा स्क्वायर थ्री नाइन आयोटा स्क्वायर माइनस का ये टू जाके दोनों टर्म से टू मल्टीप्लाई करेगा जब ये दो, टू दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा टू टू जार फोर माइनस माइनस प्लस थ्री टू जार्स आयोटा प्लस नाइन इस तरीके से इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लेंगे नाइन आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा आयोटा स्क्वायर पर्टिकुलरली क्या होता है माइनस के वन के बराबर चलो मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो रही है तो फोर माइनस सिक्स आयोटा नाइन प्लस का नाइन आयोटा स्क्वायर है ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का वन तो माइनस का नाइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का फोर प्लस का सिक्स आयोटा प्लस का नाइन अच्छा भाई ये देखो माइनस का सिक्स आयोटा प्लस के सिक्स आयोटा से कैंसिल आउट माइनस का नाइन प्लस के नाइन से कैंसिल आउट और माइनस का फोर प्लस के फोर से कैंसिल रियल नंबर के अंदर एडिशन सप्रेक्शन मल्टीप्लीशन एडिशन भी सिंपल होती है अच्छा, मल्टीप्लीकेशन uh, भी सिंपल होती, होती है और सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंस कहां से आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है वो डिविजन से आता है क्या ट्रिक होती है बेटा उस ट्रिक को एक ही बार लिख लेते हैं क्या ट्रिक होती है रेशनलाइजेशन क्या होती है बेटा रेशनलाइजेशन डिवीजन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता कॉम्प्लेक्स नंबर रेशनलाइज करना होता है अपने प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल रेशनलाइज किसे कहते हैं और रेशनलाइज होती क्या है आपके डिवाइड के अंदर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है उस सेम वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज करके उसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो रेशनलाइज कहलाता है वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास आ रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है सेवन माइनस थ्री आयोटा नीचे क्या है 1 आयोटा मैंने कहा मैंने आपसे कहा कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ वह एक ही तरीका वो क्या है रेसनाइजेशन किस तरीके से करेंगे इस चीज को आए देख लेते हैं सेवन माइनस थ्री आयोटा वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे किससे वन माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा मैंने कहा रेशनलाइज कुछ भी नहीं होती नीचे वाली टर्म को सिर्फ नीचे वाली टर्म का बीच का साइन चेंज करते हैं फॉर्मुला कर कर है कर कर बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है बेटा ए स्क्वाय माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहां पे एक फॉर्मुला बन गया वन माइनस अगर किसी को मेरी यह बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा यहाँ पे समझाता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह मेट्रिक का एट का, का, का होता है हमारा फॉर्मुलाइन बी किसके बराबर आ जाएगा ऑब्वियसली के और ऊपर क्या होगा ऊपर सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन की इतनी डिटेल में नहीं कहते क्योंकि आगे हर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो वैसे यूज हो रही होती है तो भाई हमने क्या बोला किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन यूज होती है ये सेवन जाके दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली थ्री आयोटा भी दोनों ब्रैकेट से आगे मल्टीप्लाई हो गया किस तरीके से आओ देख लेते हैं सेवन वनजर सेवन सेवन जब वन के पास जाएगा तो सेवन वनजर सेवन सेवन फिर इस आयोटा के पास भी के जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का सेवन आयोटा क्या हो जाएगा माइनस का सेवन आयोटा थ्री आयोटा के पास भी जाएगा तो जब माइनस थ्री आयोटा वन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का थ्री आयोटा और माइनस थ्री आयोटा जब माइनस आयोटा के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का थ्री आयोटा स्क्वायर अच्छा भाई और नीचे क्या हो गया वन माइनस आयोटा स्क्वायर बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को मैंने आपको बता दिया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो यहाँ पे दो जगह पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे पे भी, भी आ रहा है तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस वन तो क्या हो जाएगी मेरी पर्टिकुलर इक्वेशन सेवन माइनस सेवन आयोटा सेवन अच्छा सेवन माइनस थ्री कितना होता है माइनस सेवन माइनस थ्री ये होगा माइनस का टेन माइनस का टेन आयोटा सिंपलीफाई करते ना सात सात बेटा तो आयोटा स्क्वायर बराबर होगा आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, वन, तो मा वन तो यहां पे क्या हो जाएगा वन माइनस माइनस वन जो किसके बराबर हो जाएगा सेवन माइनस थ्री बेटा फाइव सेवन माइनस थ्री बेटा फोर सेवन माइनस थ्री फोर और माइनस का टेन आयोटा माइनस का टेन आयोटा डिवाइड में टू अब देखो आपके पास ये इक्वेशन बन गई क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही है फोर माइनस टेन आयोटा इंटू टू मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने यहां पे लिख हूँ फोर माइनस टू अब आप अपने आंसर जब देखते हो तो आपके आंसर के अंदर डिवाइड की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि आपके एग्जामिनर ने आपके आंसर को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे एलसीएम ब्रेक कर दो जब यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करोगे तो फोर के नीचे भी टू आएगा और टेन के नीचे भी टू आएगा फोर डिवाइडेड बाई टू इज टू और टेन डिवाइड बाई टू इज फाइव इस तरीके से आपका आंसर क्या बन गया टू माइनस फाइव आयोटा सॉरी यार यहां पे जगह जगह कम पड़ी थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया आई होप समझ में आ गया होगा नहीं आगे तो मुझे बता दें समझा देता हूँ दोबारा से अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं वो टॉपिक क्या है कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ा अब पहला बेसिक टॉपिक पढ़ने रहे हैं वो क्या है कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉन्जुकेट होता क्या है

फॉर एक्साम्पल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मैं चाहता हूं तो रखना तो क्या हो गया a माइनस आयोटा बी अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी कॉन्जुकेट फॉर्म क्या है z के ऊपर बार a माइनस आयोटा बी इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास z की वैल्यू है टू प्लस थ्री आयोटा तो Z कॉन्जुकेट ऑफ दिस Z विल बी टू माइनस थ्री आयोटापल नंबर है सिमिलरली मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स माइनस टू प्लस का सिक्स आयोटा मैंने क्या बोला कॉन्जुकेट के अंदर सिर्फ बीच का साइन चेंज होता है ये लास्ट वाला साइन कुछ भी हो जिससे फर्क नहीं पड़ता भाई तो कॉन्जुकेट क्या होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस टू बीच का साइन प्लस है तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर सिक्स आयोटा सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लो बेटा क्योंकि बहुत बच्चे रहे होते हैं चीज के अंदर थ्री माइनस सिक्स आयोटा थ्री आयोटा इसकी कॉन्जुकेट फॉर्म क्या होगी बेटा बीच का साइन इन्वर्स कर दो बीच का साइन चेंज कर दो आप तो क्या बन जाएगी इसकी इन्वर्स फॉर्म थ्री प्लस सिक्स आयोटा सिंपल अब आ जाओ जरा एक बहुत मशहूर क्वेश्चन के ऊपर जो कि एनईडी के अंदर बहुत बार पूछा गया अच्छा पता नहीं क्यों मैं पिछले तीन से चार साल से और अपने जमाने से मैंने 2018 के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था मैं उस जमाने से देख रहा हूँ क्योंकि मैं 2018 से बेसिकली पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस जमाने से और जब मैं खुद एप्टीट्यूड का स्टूडेंट होता था मैंने ईकेट के तो कभी तैयारी नहीं करी आ, मैं आई बी ए का स्टूडेंट था तो जब कभी मैं उस जमाने से अपने आप को मैं कभी देख रहा होता हूँ तो मेरे जहन में एक बात बहुत अजीब सी मैंने महसूस करी भाई वो अजीब सी बात क्या है कि थियोरटिकल डेटा से बच्चा बहुत ज्यादा घबराता है थ्योरटिकल डेटा मुझे नहीं पता कि बच्चों को क्यों कंफ्यूज करता है आप उस बात को समझ लेते हैं इस टाइप के जब क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इफ वी अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ वी सप्रेक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट द रिजल्ट विल बी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर हैविंग नो मोर ऑप्शन ए एन बी बोथ दोबारा पढ़ लेते हैं अगर मैं इफ वी सपरेट अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट विल बी थ्योरिटिकल क्वेश्चन को एक बात हमेशा याद रखना सब चीजें उसने अपने मुंह से बकी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर बेटा मैं इससे आसान अल्फाज में बोल नहीं सकता थ्यूरिटिकल एम्सिक्यूज सबसे ईजी होता है सब कुछ उसने बताया हुआ है इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट सेपरेट uh, करूं किससे सेपरेट करूं उसी के कॉन्जुकेट से इफ वी सेपरेक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स फ्रॉम के मायने उसके करूं मैं उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसी के कॉन्जुकेट सेपरेट करूं हमेशा याद रखना थ्योरिटिकल डेटा को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आओ अपनी इमेजिनेशन में लेकर आओ अपने जहन में लेकर आओ फॉर एग्जांपल मैंने कहा Z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z को मैंने अपनी मर्जी सपोज किया मुझे क्वेश्चन में नहीं किया ये मैंने मैं खुद सपोज करूँ हमेशा याद रखना जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने थ्योरिटिकल डेटा को बेटा न्यूमेरिकल डेटा में खुद से कन्वर्ट करना सीखो और सॉल्व करना सीखो मुझे क्या कह रहे है कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी जेड मैंने कर लिया अब इसका कॉन्जुकेट क्या होगा हमने क्या पढ़ा कॉन्जुकेट क्या होता है कुछ भी नहीं होता सिर्फ बीच का साइन चेंज होता है तो इसके बीच का साइन चेंज कर दो इसका

माइनस का साइन ए प्लस आयोटा बी जब ये ब्रैकेट खोलेगा बेटा जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या चीज बनेगी माइनस माइनस टू आयोटा बी कैसा चीज बनी कैसी वैल्यू आई इमेजनरी वैल्यू आई ना बेटा आयोटा क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे क्योंकि ए से ए जो रियल पार्ट था वो तो आपका कैंसिल आउट हो गया जब ये माइनस का ब्रैकेट खोलेगा तो ये रियल से रियल पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया क्या बचा आयोटा भी और आयोटा भी बचा माइनस का टू आयोटा भी तो आयोडा आपको तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या चीज मिली आपको इमेजनिंग नंबर और इमेजन क्या मिल गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं क्योंकि रियल नंबर तो कैंसिल आउट हो गया और इस बात को आप इस एमसीक्यूज को जरा मेरी वो पहली वाली डेफिनेशन से भी समझ सकते हो मैंने आपको बताया था कि जब कभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सेपरेट करवाते हो रियल नंबर इमेजिनरी नंबर सेपरेट करवाते हो तो आपको क्या चीज मिलती है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है

अच्छा मॉडल के अंदर एक बात जहन रखनी होती है हम आयोटा नहीं लेते आयोटा इग्नोर कर रहे होते हैं हम क्योंकि जब आयोडा का स्क्वायर लोगे तो माइनस वन और जब स्क्वायर बाहर होगा तो वैसे वैसे वन हो जाएगा आप बस इस बात को छोड़ दो आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि जब कभी मॉडल क्या होता है मॉडल कुछ भी नहीं होता रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है रूट के अंदर क्लियर अब देखो बेटा एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है अब आ जाओ बेटा एडिटिव इनवर्स के ऊपर एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होता है बेटा एडिटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है मेरे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है अगर z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर माइनस uh, z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x कॉमा की फॉर्म के अंदर ये x कॉमा है ये कुछ भी नहीं है भाई ये x कॉमा है ये चलो मैं इसको काट देता हूं अगर z मेरे पास एक ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x कॉमा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा

-y फॉर एग्जांपल इस बात को मुझे पता चल समझ में ना आई हो आओ जरा एग्जांपल की मदद समझते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 2,3 ऑर्डर पेयर फॉर्म में देख लो 2,3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा minus -2, minus -3 फॉर एग्जांपल एक और बात समझ लो minus -6, minus -4 एक

कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ रहा है मेरे पास एक्स फॉर्म कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है फॉर एग्जाम्पल रियल पार्ट फॉर्मूला क्या है रियल पार्ट को एक्स के एक्स को एज लिखा है डिवाइड के, के अंदर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का सम डिवाइड के अंदर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का सम कॉमा डालो देन इमेजनरी पार्ट का वाई और अगेन डिवाइड के अंदर एक्सर प्लस वाई स्क्की होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन एग्जांपल से अपनी बात हमेशा अपनी बात को एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम तो भाई टू कॉमा थ्री एक मेरे पास क्वेश्चन आ गया मुझे निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेटा कैसे आएगा टू यानी कि रियल पार्ट को एज इट इज एक बार लिखा फिर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कॉमा इमेजनरी पार्ट को अब आपने लिखना पार्ट क्या है थ्री मगर ये इमेजनरी पार्ट किसके साथ आएगा हमेशा माइनस के साथ, और थ्री का स्क्वायर मैं अपनी बात को तो क्लियर कर पाया तो एनडी के एमसीक्यूज के ऊपर आ जाओ कहता है मुझसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा निकालो वेयर ओमेगा इज माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री ओवर टू मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया ये एनडी का बड़ा मशहूर जमाना एमसीक्यूज होता है, है, uh, है, है. दोबारा लिख देता हूँ कह रहे माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री इंटू टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो देखो हमें एन ने बेसिकली हमें कंफ्यूज करने के लिए इतना मुश्किल एमसीक्यूज दे दिया बल्कि मुश्किल नहीं है मैं समझाऊंगा तो इंशाल्लाह इजी बन जाएगा

एक्स की जगह के ऊपर माइनस हाफ आ गया डिवाइड में एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस हाफ का भी स्क्वायर आएगा प्लस वाई का स्क्वायर व्हाट इज रूट थ्री ओवर टू व्हाट इज बाय रूट थ्री ओवर टू का स्क्वायर बीच में कॉमा आता है बीच में क्या आता है बेटा कॉमा <coughs> आगे क्या है माइनस का वाई माइनस का साइन वाई वाई क्या है इमेजनरी टर्म मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स X का फॉर्मुलापल X, और टू का स्क्वायर का अच्छा बेटा ये टर्म मेरे पास बन गई अच्छा मैंने घिचर भिजर करके थोड़ा कर लिया तो उसको बर्दाश्त कर लेना नहीं। नहीं तो बता देना मैं दोबारा बता दूंगा इस वाली जब पूरी टर्म को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा नीचे वन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये एक्स ये रहा वो वाई इसको जब सॉल्व करोगे क्या? क्या और वन डिवाइड uh, के अंदर कभी वन आ रहा हो तो क्योंकि वैल्यू होती है बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती तो बेसिकली आपके पास ये टर्म क्या बन गई अगले पेज पे देख लो ये टर्म क्या बन गई माइनस का हाफ प्लस का, कॉमा प्लस का रूट थ्री ओवर टू

क्या वैल्यू बन गई ओमेगा स्क्वायर की ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे बनी है जब मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व किया कैसे सॉल्व किया अगर समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ मेरे पास एन का बड़ा मशहूर जमाना एमसीक्यूज़ आ गया इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट प्लस अंडर रूट थ्री ओवर टू आउट रूट थ्री ओवर टू सबसे पहले मैंने एलसीएम ब्रेक किया एलसीएम ब्रेक करने के बाद मैंने इस वाली टर्म को अपना एक्स कंसीडर किया और इस टर्म को मैंने अपना वाई कंसीडर किया सिंपल तरीके से इनवर्स के फॉर्मूले में डाल दिया एक्स को एक जगह पर रखा माइनस वाई को एक जगह पर रखा डिवाइड के अंदर एक्स स्क् प्लस स्क्वायर मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही होगी माइनस का हाफ का स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू का स्क्वायर की वैल्यू बन रही होगी आपके पास टोटल वन और ऊपर तो माइनस हाफ और माइनस का रूट थ्री ओवर टू था जब मैंने इसको इसकी ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर पेयर फॉर्म से हटाया तो क्या बन गया माइनस वन माइनस रूट थ्री ओवर टू आयोटा और ये टर्म किस चीज के बराबर होती? होती है बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का इस पर्टिकुलर एमसी uh, का आंसर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन देख लें आपसे कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स रूट थ्री कॉमर रूट टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो मैंने क्या बोला ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी एक्स और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी वाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेटर फॉर्मुला क्या होता है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कॉमा माइनस का वाई और नीचे भी अगेन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो बेटा ये ये टर्म टर्म आपकी आपकी है है वाली सिंपल तरीके से आपने कुछ भी नहीं करना सॉल्व कर लेना जगह पे क्या आ रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री प्लस टू फाइव यहाँ पे आ जाएगा कॉमा माइनस का माइनस का रूट टू और नीचे भी क्या बनेगा फाइव ये इसका आंसर हुआ मैंने जल्दी जल्दी क्यों कर लिया क्योंकि मैं प्रैक्टिस के अंदर हूँ मैथ्स पढ़ाता हूँ मुझे मैथ्स आती है थोड़ी बहुत तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया आप भी जल्दी जल्दी कर लेंगे किस तरीके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा ये वैल्यू आपकी एक्स है ये वैल्यू आपकी वाई है आपने सिंपल तरीके से वैल्यू डाल दी स्क्वायर वॉट इज एक्स स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर वॉट इज वाई स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर तो रूट थ्री से टू रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट टू कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा थ्री स्क्वायर टू के रूट को भी कैंसिल कर देगा क्या बचेगा टू थ्री प्लस टू फाइव सेवन थ्री प्लस टू फाइव और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा यहां पे हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक कंप्लीट होता है एक आध एमसीक्यूज में आपको मर्जी बता देता हूं बेटा अगर वो आपसे कह ले फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर ऑर्डर पेयर अगर ऑर्डर पेयर मेरे पास अगर ऑर्डर पेयर डिनोट होता है 0,1 से द ऑर्डर पेयर ऑफ 0,1 इज डिनोटेड बाय अगर डिनोट किया जा रहा है ये किससे डिनोटेड बाय आयोटा डिनोटेड बाय आयोटा ट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर देन वट इज द वैल्यू आयोटा स्क्वायर ये बहुत मशहूर अक्सर आया है कहते हैं कि अगर ऑर्डर पेर है जीरो जा रहा है किसके साथ आयोटा के साइन के साथ तो आप ये बता दीजिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इत्याई फजूल किस्म का क्वेश्चन है मगर पेपर में बहुत बार आया भाई क्या होगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू नहीं पूछ रहा बेटा ये इस सवाल के रिस्पेक्ट से वैल्यू पूछ रहे हैं कह रहे कि अगर ऑर्डर पेयर जीरो अरे भाई देखो फॉर्म लिखा पेयर फॉर्म खोलो तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन आयोटा इसका मतलब क्या है, कि भाई यहाँ पे कि जो वन है क्या कह रहे हैं किसके डिनोट किया जा रहा है ट्रम आयोटा से. तो भाई आयोटा की वैल्यू क्या है वन अगर मेरी बात क्लियर नहीं हुई तो मैं यहां पे दोबारा समझाता हूं क्वेश्चन कह रहा है कि वन इज डिनोटेड बाय आयोटा जीरो पता है, भी किस के अंदर है? के अंदर. जब ये तो आयोटा स्क्वायर तो की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगी वन होगी भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वन होगी अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या बचेगा स्क्वायर करने के ऊपर वन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा सिंपल नथिंग क्या इसका आंसर होगा जीरो आंसर होगा क्लियर लास्ट में सिर्फ ये बात बोलूंगा कि भाई अगर कोई बात इस टॉपिक कैसे समझ में ना आई हो देखो ये पहला एक्सपीरियंस है आपके लिए भी हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस है पहला इस लिहाज से कि हम लो, लोगों को नॉर्मली बोर्ड पर पढ़ाने की आदत होती थी इस बात की नई आदत होती थी कि हम पर्टिकुलरली इस तरीके से पढ़ाएं मैं तो चलो फिर भी ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा था या ऑनलाइन ट्यूशन भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट लोगों को बट स्टिल आई कैन से यार इश्यूज कहीं ना कहीं आते हैं मैंने अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट कोशिश करी डेढ़ दो घंटे की या एक घंटे की मेहनत करने के बाद वीडियो तैयार हुई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इशूज़ होंगे पर्टिकुलरली स्पीक नॉर्मली मैं जो बात कर रहा हूँ यही बात कर रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लॉज uh, भी होंगे मेरे पास कहीं ना कहीं मैंने गलती भी करी होगी गलती इस सेंस के अंदर हो सकता है कि मैंने उस तरीके से कन्वे ना कर पाया पाएँ जिस तरीके से मैं नॉर्मली कन्वे करता हूँ जिस तरीके से मेरे स्टूडेंट नॉर्मली खुश होते हैं कि सर आपने वो अच्छा समझाया मुझे नहीं पता मैंने कैसे समझाया मुझे सिर्फ उस वक्त पता चलेगा मैंने किस कैसे समझाया और किस तरह का मैं लेक्चर डिलीवर किया जब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सको कि सर समझ में आया या नहीं आया आई होप कि आप अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताओगे कि आपको पर्टिकुलरली टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है और मैं आपके अच्छे कमेंट्स